तो दोस्तों आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल्स जो है वो आपने देख लिया। अब मैं दो क्लिप आपसे शेयर करूंगी जहां पर मैंने एक क्लिप में इस प्रोडक्ट को फुल नाइट लगा के रखा है और फिर मैंने हेयर वॉश किया है और वहां पर मुझे कितना हेयर फॉल हुआ है, और फिर नेक्स्ट क्लिप में मैंने इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक घंटे अपने हेयर पर रखा है और फिर हेयर वॉश करने के बाद क्या हेयर फॉल होता है। तो इसका एक कंपेरिजन वीडियो मैंने शूट किया है, तो वो पहले आप देख लीजिए। सो दिस वॉज बेसिकली द फर्स्ट टाइम आई वॉज यूजिंग दिस प्रोडक्ट और मैंने इसको ओवरनाइट लगा के रखा था, और जब मैंने शैम्पू किया था तभी भी कोई हेयर फॉल नहीं हुआ, और बाद में जब मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि हार्डली एक या दो स्ट्रैंड ऑफ हेयर ही मेरे फॉल हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इस प्रोडक्ट के साथ। और मेरा नेक्स्ट यूज़ है उससे 3 दिन बाद, जब मैंने बस इस तेल को एक घंटा लगा के रखा था और फिर मैंने शैम्पू किया। तो शैम्पू करते वक्त मेरा लगभग पहले जितना हेयर फॉल होता था उतना ही हेयर फॉल हुआ, और बाद में आप देख सकते हैं कि कॉम्बिंग के टाइम भी मेरा बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है। तो उस दिन मुझे बस ये रियलाइज़ हुआ कि ये ऑयल को एक घंटा रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको ओवरनाइट ही रखना है। फर्स्ट डे जब आप इसको यूज़ करते हो और अपना हेयर वॉश करते हो तो क्या होता है, आपको बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता। फिर नेक्स्ट डे आपका हेयर फॉल थोड़ा बढ़ता है, थर्ड या फोर्थ डे जाते जाते आपका जो पहले का हेयर फॉल था वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, क्योंकि हेयर फॉल बिल्कुल पहले जैसा होने लगता है। एंड फिर आप उस दिन फोर्थ डे नाइट मैं इसको यूज़ करती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे जब आप इसको हेयर वॉश करोगे तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ डे जाते जाते आपका फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ इस प्रोडक्ट से। अगर आपके बाल झड़ने की समस्या है तो इसको रेगुलर यूज़ करें, 1 से 1.5 महीना यूज़ करने के बाद में हेयर फॉल है वो विजिबली रुक जाएगा। ऑनियन, आलमंड, जोजोबा, ब्राह्मी, भृंगराज, ये सब हेयर फॉल को रोकने का काम करेंगे और बालों की जड़ों को मजबूत बनाएंगे। एक स्पेशल चीज़ कि इसके अंदर रेडेंसिल है वो एडेड है। रेडेंसिल के रिजल्ट है वो हेयर फॉल को लेकर बहुत ही बढ़िया रहते हैं, और बालों की जड़ों को मजबूत करने को लेकर इसका काम है वो बहुत ही बढ़िया देखा जाता है। तो इसके अंदर रेडेंसिल एडेड है जो कि एक इसकी स्पेशल क्वालिटी लगी मुझे। बालों की आप अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं और बालों की जो ग्रोथ है उसको स्पीड अप करना चाहते हैं तो इसको आप इस्तेमाल करें। आपके बालों के जो बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी और बाल शाइनिंग भी दिखेंगे। जब हम कोई हेयर ऑयल लेते तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो कोई एक ऑयल है या अगर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑयल भी है तो वो केमिकल फ्री हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। मामाअर्थ के अदर प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल केमिकल फ्री तो होते हैं बट उसमें थोड़े बहुत केमिकल होते हैं, बट ये जो हेयर ऑयल है ये बिल्कुल केमिकल फ्री है और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं थोड़े से ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं हमारे बालों के लिए। सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आमंड ऑयल, आमला ऑयल, भृंगराज ऑयल, हिबिस्कस ऑयल, अनियन सीड ऑयल, अनियन एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, सेसमी ऑयल, वाइटामिन ई, ब्राह्मी ऑयल, रोज एसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल एंड रेडेंसिल। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इनमें से आपने बहुत सारों के बारे में सुना होगा कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। अनियन हेयर ऑयल आप इसमें लिखते हो, पीपल विल बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द नेम और यहाँ पर पिक्चर की वजह से कि हाँ इसमें ये अनियन हेयर ऑयल है, लेकिन एक्चुअल में अनियन हेयर ऑयल बहुत कम परसेंटेज है। क्वाइट डिसअपॉइंटिंग ऑनेस्टली, अनियन की परसेंटेज है ना वो बहुत 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 कम है, इसीलिए जब हम इसे लगाते हैं ना तो कहीं भी कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी इचीनेस, कोई भी अनियन की स्मेल तक नहीं आती, मतलब हल्की सी फील तक नहीं आती है अनियन की। बिकॉज हेयर फॉल जो है मुझे अभी हो रहा है बिकॉज ऑफ मॉनसून, तो इसीलिए मैंने ये परचेज किया था, बट लेट मी टेल यू हेयर फॉल के ऊपर इसने 1% भी मेरे काम नहीं किया है। मतलब इसको लगाने के बाद मुझे 1% भी ये फील नहीं हुआ कि मेरे हेयर फॉल में इसने जरा सा भी कोई मतलब कुछ काम किया है, बिल्कुल भी काम नहीं किया है। एक बहुत अच्छा काम जरूर ये जरूर किया है कि इसको लगाने के बाद देन नेक्स्ट डे जब मैं वॉश करती हूँ अपने हेयर तो हेयर बहुत ही सिल्की स्मूथ एंड सॉफ्ट फील होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब यह है अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपको जस्ट एक नॉर्मल हेयर ऑयल चाहिए जो आपके हेयर को थोड़ा सॉफ्ट मैनेजेबल बना दे, देन आप ये हेयर ऑयल जरूर ट्राई कर सकते हैं। बट फॉर हेयर फॉल रिडक्शन आई वुड से नो नो नो, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं किया। हो सकता है आप में से कई लोगों के ऊपर इसने काम किया हो बट मेरे लिए इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मैंने रिव्यूज भी पढ़े थे काफ़ी नायका, अमेजोन और बाकी भी वेबसाइट्स पे,
रिव्यूज थे काफी मिक्स्ड, मतलब कई लोग तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, उनका हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कई और कई लोग ये भी बोल रहे थे साथ में कि उनका हेयर फॉल जो है बढ़ गया है। सो इसका मतलब यही है कि ये हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है लेकिन कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव, मतलब अच्छा काम नहीं करता है। तो मैं उन लोगों में से हूँ, ना ही नेगेटिव काम किया ना ही पॉजिटिव काम किया, मतलब कोई काम नहीं किया मेरे हेयर फॉल के ऊपर इस हेयर ऑयल ने। सो गाइस, ये है मेरा वीक वन का एक्सपीरियंस। जो मेरा डैमेज पहले होता था बालों का सेम है, कुछ भी फर्क नहीं लगा है, इतना मुझे पहले भी होता था, लेकिन यस वन वीक है, दो बार ही यूज किया अभी शैम्पू, तो अभी हम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम क्या होता है। हे गाइस, मैं वॉश करके आ गई मेरे हेयर्स और आप देख सकते हो थोड़े बहुत सूख गए हैं, थोड़े से गीले हैं लेकिन थोड़े से सूख भी गए हैं। तो बहुत ज्यादा गीले बालों में मैं कोम नहीं करती हूँ, जब थोड़े से सूख जाते हैं उसके बाद ही कोम करती हूँ। तो अभी मैं आपको कोम करके बताती हूँ कि कितना हेयर फॉल होता है लाइव, एंड यू कैन सी माय कोम, अभी बिल्कुल भी हेयर नहीं है इसके अंदर, क्लीन है, साफ सुथरा, कंघा लग रहा है। तो मैं अच्छे से नीचे बनाती हूँ बाल और फ्लोर पे फिर आपको बताती हूँ कि कितना हेयर फॉल हुआ है। यू कैन सी इतना हेयरफॉल हुआ है मुझे आज। तो आज का जो डे था वो मतलब इतना अच्छा नहीं था हेयरफॉल को लेके, इतना सारा हेयरफॉल हुआ है, यू कैन सी दिस गाइस। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कि कितना हेयरफॉल होता है। इस वीक का हम ये काउंट करके रखते हैं, मतलब मैं फोटो क्लिक करके रखती हूँ कि कितना हेयरफॉल है। सो गाइज, एज यू कैन सी मैं अपना हेयर वॉश करके आ गई हूँ और अभी तक मैंने हेयर कॉम नहीं किया है, थोड़े से वेट है लेकिन थोड़े से सूख भी गए हैं। तो अभी मैं आपको कॉम करके दिखाती हूँ, मैंने अभी तक कॉम नहीं किया है, कॉम भी मेरा एकदम साफ है, तो आपको मैं लाइव बताऊंगी कि मेरे बाल कितने टूटते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। You can see मेरे कोम में भी आपको बाल नजर आएंगे। कोम में तो ऐसे जितने बाल नहीं है, मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि कितने बाल टूटे हैं मेरे। वेट ए मिनट। सो गाइज, ये वीक टू का रिजल्ट है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है मुझे, लेकिन यस लास्ट वीक के कंपैरिजन में तो कम है और जो पहले टूटते थे उसके कंपैरिजन में भी कम है। तो आई एम क्वाइट मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। सो गाइज, आज भी मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ, लास्ट नाइट मैंने अच्छे से ऑयलिंग की थी और अभी मैं आपको कॉम करके दिखाती हूँ। एज यू कैन सी सेम कॉम, और इसके अंदर भी बाल नहीं है बिल्कुल भी, और नॉर्मल मैंने थोड़े से बाल गीले हैं, थोड़े से सूख गए हैं। तो मैं अभी आपको कॉम करके दिखाती हूँ कि कितना हेयर फॉल हुआ है मेरा। सो गाइस, आप देख सकते हो कॉम में मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं है। अभी नीचे कितने बाल गिरे हैं उससे हमको पता चलेगा कि कितना हेयर फॉल कंट्रोल किया है। तो 1 month हो गया है ऑलमोस्ट मुझे इस ऑयल को यूज करे हुए, तो आज लास्ट डे है, अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेट मी शो यू। सो गाइज, एज यू कैन सी मेरा हेयर फॉल 60-70% कम हुआ है, यू कैन सी, एंड यस थोड़ा बहुत तो हेयर फॉल यार खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। एंड रियली आई एम वेरी ग्लैड कि ये वाले प्रोडक्ट ने तो मेरा साथ दिया है, एज अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर की तरह तो नहीं था। सो गाइज, मेरा हॉल एक्सपीरियंस यही है कि अगर आपका नॉर्मल हेयर फॉल है, वेदर चेंज की वजह से हो रहा है, या नॉर्मल आप हेयर केयर रूटीन नहीं कर पा रहे हो इसकी वजह से है, तो यस फॉर श्योर आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ये रिजल्ट देता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिजल्ट देने में, आपका 1-2 weeks में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। लेकिन यस जैसे जैसे 3rd या 4th week 5th week में आप पहुंचोगे, आपको थोड़ा थोड़ा आपका हेयर फॉल कम होने लगेगा। तो ये आपका नॉर्मल जो 30-40% ये आपका हेयर फॉल को कंट्रोल कर देता है विद इन 1 month। तो जो मेरा रिजल्ट था वो आप लोगों के सामने है कि कितना इसने हेयर फॉल को मेरा कंट्रोल किया है। एंड गाइस, अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको इस हेयर ऑयल के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए आपको, और आपका जो नॉर्मल रूटीन है उसको थोड़ा सा आपको चेंज करके, आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए।
तो आपका हेयरफॉल लिटरली गाइज उससे कंट्रोल होता है।